हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जुलाई दिन मंगलवार, हिंदी तिथि में सावन महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी का मामला आजकल देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं, इसकी जांच के लिए कल यूपी पुलिस के साथ एटीएस ने मिलकर सीमा हैदर को हिरासत में लिया, पूछताछ भी की सीक्रेट लोकेशन पर, और इस दौरान कुछ नए खुलासे देखने को मिले। आगे बताऊंगा मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ी पूरी बड़ी खबरें विस्तार से। फिलहाल बात करते हैं खबरों में शुरुआत से। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज मंगलवार से अधिक मास शुरू होने जा रहा है, और मल मास को भगवान विष्णु के नाम के आधार पर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में पूजा पाठ के साथ ही ग्रंथों का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है। 19 साल बाद इस सावन में ये अधिक मास मिल रहा है। सौर चंद्र कैलेंडर के अंतर से बना ये एक्स्ट्रा महीना, और इस कारण इस बार त्योहार वगैरह भी 19 दिन देरी से शुरू होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। राजधानी दिल्ली में बाढ़ आ रही है आजकल, आपको पता होगा, तो इसलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूली छात्रों को छूट दी है। छात्र अस्थायी रूप से बिना किताबें बिना स्कूल ड्रेस के भी विद्यालय में आ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। सारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ, उनके लिए फाइनली गुड न्यूज आ गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह है रिफंड पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी अब सहारा निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिलने वाला है। देश के करोड़ों लोगों का मेहनत की कमाई का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। आज गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, और शुरुआत में इस पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया से जुड़े 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक आवेदन कर पाएंगे। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल, हमारा इंडिया क्रेडिट और स्टार्स मल्टीपर्पज, इन सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड से जुड़े जितने भी लोग बाग है जिनका भी पैसा लगा हुआ है, वो इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आप अप्लाई करेंगे इस पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद, इसका भी वीडियो मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो फटाफट से कर लेना, ठीक है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। केदारनाथ मंदिर में एक नया नियम लागू हो चुका है, अब मोबाइल फोन लेकर जाने या फोटो या वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर केदारनाथ मंदिर के साथ में कुछ लोगों के ऐसे इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक वीडियो वगैरह काफी वायरल हुए, उसके बाद मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। कुछ लड़के लड़कियां प्रपोज कर रहे हैं, लव का इजहार कर रहे हैं, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद अब केदारनाथ मंदिर में मोबाइल पर बैन लगा दिया। यहां तक कि श्रद्धालुओं को शालीन कपड़ों में आने के लिए कहा गया है, मंदिर प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया। लड़के लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाने पर भी रोक लगा दी है, यानी अब शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में आप नहीं आ जा पाएंगे, थोड़ा संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अच्छा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। 710 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल बनाया गया। अच्छा, भारत सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मेड इन इंडिया ड्रोन भारत खरीदेगा, जिनके जरिए सीमा पर निगरानी रखी जाएगी। चीन और पाकिस्तानी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए जल्द ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 बेहद क्षमतावान ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अच्छा, पंजाब सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, पंजाब के सरकारी दफ्तरों की फिर बदली टाइमिंग। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के बाद अब पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम को 5 बजे बंद होंगे, जबकि इससे पहले टाइम सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक का था, अब 9 से 5 का होगा, है ना। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों, भारत के साथ यूपीआई डील करेगा इंडोनेशिया, यानी फ्रांस और यूएई दुबई के बाद अब इंडोनेशिया में भी आप यूपीआई के साथ ट्रेड कर पाएंगे। व्यापारियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लोकल करेंसी में ट्रेड और रियल टाइम पेमेंट मैकेनिज्म डील पर बातचीत बन चुकी है। धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में यूपीआई पेमेंट सुविधा शुरू होने जा रही है, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, है ना। और चंद्रयान 3 पर एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है, चंद्रयान 3 एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंच गया है, यानी हमारे चंद्रयान ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है अपने चांद तक पहुंचने के रास्ते का, और अगले 3 पड़ाव में ये पूरा चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसरो ने कहा कि हमारा स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही कंडीशन में और तय प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, कंजूसी नहीं करनी लाइक में कभी। और अपन आगे बढ़ते हैं सीधे खबरों की तरफ। देखिए आप, 3 जासूस जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे भारत से, उनको गुजरात अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंडियन आर्मी कैंपों में ये रेकी करते थे। कोर्ट ने कहा कि तीनों रहते भले भारत में थे, लेकिन ये प्रेम पाकिस्तान से करते थे और इसीलिए देश विरोधी और जासूसी हरकतों के चलते इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। और वैसे जासूसों की बात हो रही तो आपको पता होगा, सीमा हैदर को लेकर भी काफी संशय बना हुआ कि सीमा भी प्रेमिका है या जासूस है। तो इस मुद्दे को लेकर अब केंद्रीय एजेंसियों ने एसएसबी और यूपी पुलिस से रिपोर्ट भी मांग ली है। सवाल ये कि अब आखिर सीमा हैदर का क्या होगा, क्या भारत सरकार वापस इसे पाकिस्तान भेजेगी या नहीं। तो इसी मसले के चलते यूपी में कल पुलिस के साथ एटीएस की हिरासत में लिया गया सीमा हैदर को, और इस हिरासत में पूछताछ के दौरान एक नया खुलासा सामने आया कि सीमा का चाचा और भाई दोनों पाकिस्तानी सेना में है।
8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ हुई। अभी नोएडा में सीमा के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। काफी ऐसे सवाल है जिनके चलते हमारे देश की इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियों को विश्वास नहीं हो रहा कि सीमा हैदर आखिर सिर्फ प्रेम के लिए, प्यार के लिए कैसे पाकिस्तान से नोएडा आ सकती है। और चर्चा तो ये भी चल रही है दोस्तों कि क्या ISI की जासूस है सीमा हैदर। इसको लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। हालांकि उस रिपोर्ट में तो यही बताया गया कि सीमा हैदर का भारत आने के पीछे कारण सिर्फ प्रेम ही है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्यार ही एकमात्र वो फैक्टर है जिसके चलते सीमा हैदर भारत आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये दोस्तों कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उन सरहदों को पार करते हुए आखिर कैसे निकली सीमा हैदर। खुफिया एजेंसियों ने SSB और UP पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और अब इस मसले पर जांच चल ही रही है। क्योंकि कल तो पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया, 30 से ज्यादा हिंदुओं को भी बंदी बनाने की भी खबर आई। उसके बाद हमारे भारत के भी काफी हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये बदसलूकी की तो फिर भारत में भी मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही होगा। 72 घंटों के अंदर अंदर मोदी सरकार से सीमा हैदर को लेकर फैसला लेने का अल्टीमेटम टाइम दिया हिंदू संगठनों ने और चेतावनी दी कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो। क्योंकि अब ये मामला जासूस और एजेंट के साथ साथ धार्मिक विवादों में भी पड़ चुका है। सीमा हैदर ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया तो इसके चलते पाकिस्तान में कई लोगों को मिर्ची लग रही है और इसलिए ये मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा। देखते दोस्तों आगे क्या खुलासा है, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा सारे। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश की 4 प्रसिद्ध नदियों में क्रूज चलाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों को कवर किया जाएगा इन क्रूज के माध्यम से और इसके लिए हमारे देश के उद्योगपतियों यानी कारोबारियों से भी बातचीत कर रही है गवर्नमेंट। और वैसे पाकिस्तान के हालात देखिए अभी क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दुनिया का सबसे महंगा आटा खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में जहां से सीमा आई वहां 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए प्रति किलो है। चीनी के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चीनी भी 100-150 रुपए प्रति किलो तक चल रही है। देखिए पाकिस्तान में अभी महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की और कहा कि साल 2024 तक उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ के कार्य पूरे किए जाएंगे, खास करके जिनमें हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रोजेक्ट होंगे। अच्छा वैसे योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने जा रही है। सीनियर सिटीजन, बच्चों और दिव्यांगों की भी इससे मदद होगी। दरअसल योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। AI की मदद से महिलाओं की आवाजाही वाले इलाकों में धूम्रपान करने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत पहचाना जा सकेगा। क्योंकि सार्वजनिक स्थान जैसे शराब की दुकानों के बाहर ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे डायरेक्टली उन लोगों का डिटेक्शन हो सकेगा, है ना। तो ये प्रदेश में योगी सरकार का नया प्लान है। और वैसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण पर भी अपडेट आ रहा है कि राम मंदिर में 5 साल के छोटे नन्हे प्रभु श्री राम की मूर्ति भी लगाई जाएगी। अगले साल 2024 में 15 से 24 जनवरी के बीच भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी का कहना है कि 1000 साल तक इस मंदिर में रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रॉन्गनेस, इतनी मजबूती से इसे बनाया जा रहा है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत ने हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को $10 लाख का योगदान दिया ताकि देश दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। वहीं खबर है देश भर में 2400 करोड़ रुपए की ड्रग्स को नष्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली रूप से इस कार्यवाही की निगरानी भी की और कहा कि नशे के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को नष्ट किया गया। NCB यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर में नशे पर यह बड़ी कार्यवाही की है और गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मीटिंग की। पंजाब के अमृतसर में NCB ऑफिस का शिलान्यास भी किया। भगवंत मान की NDPS एक्ट में सजा सख्त करने की मांग भी रही, है ना। और अगली खबर देखिए आप। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा, HDFC, SBI और ICICI से जुड़ा ये नियम बदल चुका है। कस्टमर के फायदे के लिए 1 सितंबर से ये नियम लागू होगा। दरअसल DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त तक बैंक अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के लोगो और QR कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि आपका जो बैंक में पैसा जमा है ना, उनमें से 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का बीमा DICGC एक्ट के तहत होता है। और इन मेन बैंकों के अलावा भी देखिए आप, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक, रीजनल रूरल बैंक वगैरह में भी DICGC एक्ट के तहत 5 लाख रुपए तक का सिक्योर आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। मतलब अगर बैंक डूब भी जाए तो भी आपके खाते में जमा 5 लाख रुपए तक सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, है ना। तो अपडेट ये DICGC का कहना कि बैंक अपनी सभी वेबसाइट वगैरह पर QR के माध्यम से लोगों तक इस बात की जानकारी अवेयरनेस पहुंचाए। ओके, और अगला एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा दोस्तों। इसी महीने खत्म हो रहे 3 काम की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख। एक तो 31 जुलाई तक आपको ITR फाइल करना ही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। उसके बाद 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया, राइट। लेकिन दोस्तों टैक्स जमा करने के अलावा भी 2 और ऐसे काम है जिनको आपको 31 जुलाई से पहले पूरा कर लेना है। जो किसान भाई लोग हमारे देश के, वो PM फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें 31 जुलाई से पहले पहले, ठीक है। और तीसरा अपडेट ये है, इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी 31 जुलाई ही है। तो इस पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट जाकर के जानकारी ले सकते हैं। अच्छा वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर अपडेट आ रहा है कि साल भर में ही 10-25% तक महंगा हुआ स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस। इलाज के छोटे खर्च का क्लेम न लेने समेत 4 तरीकों से आप बढ़ते प्रीमियम से निजात पा सकते हैं। अब इसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। ये 4 तरीके कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा वही खबर देखिए। कांग्रेस ने डिनर होस्ट किया, 26 पार्टियों के नेता पहुंचे। आज
कर्नाटक के बंगलुरु में विपक्षी एकता और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग भी होगी। अच्छा, साइंस का अनोखा कमाल देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस तरह का केमिकल्स खोज लिया जिससे बूढ़ा होता हुआ इंसान भी वापस जवान हो जाएगा। 6 केमिकल्स का एक ऐसा मिश्रण कॉकटेल बनाया गया जो इंसान को दोबारा जवान कर देगा। और इस रसायन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सिर्फ 4 दिन में 3 साल तक उम्र घट जाएगी आपकी। चूहों पर तो इसका टेस्ट ट्रायल भी पूरा हो चुका है, इंसानों पर अगले साल 2024 में इसका ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, आम आदमी के लिए महंगाई से राहत भरी खबर आ रही है, दाल की कीमतों पर सरकारी एक्शन। भारत दाल नाम के ब्रांड से सरकारी दाल मिलेगी अब आपको 60 रुपए प्रति किलो की रियायत दर पर। सरकार ने अपने खुद का नाम का प्रोडक्ट दाल का पैकेट जो है बाजारों में उतारा है। फिलहाल ये 703 नाफेड स्टोर्स पर रियायती दाल की बिक्री शुरू कर दी गई है। और आपको बताओगे आजकल टमाटर वगैरह काफी महंगे चल रहे हैं, तो इससे भी आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 80 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने का फैसला किया। देश भर में हजारों जगहों पर सरकारी टेम्पो भेजे जा रहे हैं जिनके जरिए आपको 80 रुपए किलो तक टमाटर मिल रहा है। हालांकि इसमें लिमिट है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 किलो ही टमाटर खरीद सकता है। बाकी फिलहाल देश के अधिकतर जिलों में ज्यादातर जगहों पर सरकारी टमाटर की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। आपको बताओगे मार्केट में तो अभी 250-300-400 रुपए तक भी टमाटर मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो ये सरकार ने राहत देने के लिए फैसला किया है। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में आंकड़ा आ रहा है कि हाल ही में जो बाढ़ आई इसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली में आपदाओं के आने की फ्रीक्वेंसी पिछले 20 सालों में और बढ़ गई है। और ये SBI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाढ़ से भारतीय इकोनॉमी को इतना मतलब 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली के बाद मथुरा में अब नदी उफान पर चल रही है। 52 घर डूबे, कुल्लू में बादल फटा, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हरियाणा के 15 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। बाढ़ ग्रस्त 9 जिले भी शामिल है। 70 से ज्यादा जगहों पर रेलवे ट्रैक टूटने से 16 ट्रेनें भी रद्द रही। अच्छा, पंजाब के भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। सभी जिलों में आज बारिश की चेतावनी। 18 जिले पंजाब के बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक पंजाब में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। और हिमाचल में देखिए आप, डोजर पर लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आ रहा। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मलबा हटाते समय ये लैंडस्लाइड हो गया, एक व्यक्ति की जान भी चली गई बादल फटने के चलते। अच्छा, राजस्थान के चुरू में एक घटना देखी गई। गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया तो तालाब में उतर गई कार भी। पंजाब से खाटू श्याम जा रहा था ये परिवार। छत्तीसगढ़ में भी जमकर बारिश की चेतावनी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। और बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने यह भी मांग की है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को भी सरकार प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित करे ताकि इन घटनाओं का मुआवजा मिल सके लोगों को। और देखिए पंजाब में तो 60,000 एकड़ फसल का भी नुकसान हो चुका है बाढ़ की वजह से। तो कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है, सावधान रहिएगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो सोने में 50 रुपए की गिरावट आई है और अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 59,950 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी अभी स्थिर रही है 76,400 रुपए प्रति किलो पर, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, एक तो कर्नाटक सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। केदारनाथ मंदिर की तरह कर्नाटक राज्य में सभी मंदिरों में नियम लागू हो चुका, मोबाइल फोन आप नहीं ले जा पाएंगे। राज्य में जितने भी हिंदू मंदिर है ना, उनमें मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया, क्योंकि मोबाइल फोन की इस्तेमाल की वजह से दूसरे भक्तों और मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों को परेशानी होती है। और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया। अब कर्नाटक राज्य में आप मंदिर में फोन नहीं ले जा पाएंगे कुल मिलाकर, है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, जर्मनी में आयुर्वेद से हो रहा पार्किंसंस बीमारी का इलाज। हेटिंगन शहर में चल रहा 60 बेड का अस्पताल जहां शाकाहार और योग पर फोकस किया जाता है। देखिए, जहां मतलब आजकल भारतीय लोग इन चीजों पर कम विश्वास कर रहे हैं, वहीं विदेशी लोग अब भारत की चीजों को अपना रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज निकलेगी संस्कार कांवड़ यात्रा। 40,000 कांवड़िए यहां शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में दिव्यांग आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। 40% तक डिसेबिलिटी होने पर इस दिव्यांग आरक्षण योजना का लाभ मिलेगा। 4% रिजर्वेशन के निर्देश दिए हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से। और ये 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को इनमें शामिल किया गया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो कि केंद्रीय बैंक हमारे देश का, उनका कहना कि 2047 तक विकसित देश बन सकता हमारा भारत। औसतन सालाना 7.5% से भी ज्यादा की GDP ग्रोथ रेट की आवश्यकता है। अच्छा, पॉवर्टी पर भी रिपोर्ट आ रही है। सरकार की पहल से 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हो गए हैं पिछले 5 साल में, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वहीं खबर है कि भारत में आने वाले 4-5 सालों में 10 गुना बढ़ जाएंगे स्टार्टअप भी, केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह भविष्यवाणी की गई है। और वहीं खबर देखिए, राहत की बात है, गोल्ड ज्वेलरी पर जारी आयात प्रतिबंध अब इन लोगों पर नहीं लागू होगा। दरअसल सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि कुछ सोने के आभूषणों और वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही इकाइयों पर लागू नहीं होगा। हाल ही में जो सरकार ने ज्वेलरी को लेकर यह नियम लागू किया था ना, इम्पोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया था, तो इसको लेकर अब सरकार ने यह जानकारी दी है। अच्छा, खबर देखिए, मछली पालन और बागवानी में रिसर्च पर फोकस करेगी ICAR। नई बीज किस्मों का भी विकास जारी रखा जाएगा। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, कर्नाटक राज्य में 8,800 करोड़ रुपए निवेश करके फॉक्सकॉन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ बैठक में कंपनी ने प्रस्ताव रखा। आईफोन की स्क्रीन समेत
अन्य मोबाइल एक्सेसरीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। और अच्छी बात यह कि इससे कई लोगों को, युवाओं को खास करके रोजगार भी मिलेगा। कंपनी ने दावा किया कि 14,000 से भी ज्यादा नौकरियां आएगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा। अच्छा, एजुकेशन पर खबर है। राजस्थान में रीट मेंस पास करने वाले टीचरों को सितंबर में पोस्टिंग दी जाएगी। 18 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, और अगस्त में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। और निवेश पर एक और अच्छी खबर आ रही। एलिस्टा कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें 100 करोड़ रुपए के निवेश से नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा, कल जो नेटवेब टेक कंपनी का आईपीओ खुला था ना, तो उस आईपीओ ने भी पहले ही दिन लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका। इसका प्राइस बैंड 474 से 500 है। अच्छा, वही खबर देखिए। टोयोटा, महिंद्रा और मारुति कंपनी ने भारत एनकैप का स्वागत किया। कारों का क्रैश टेस्ट कर सेफ्टी रेटिंग देगी ये संस्था। 1 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। जैसे ग्लोबल एनकैप है ना, वैसे ही बी एनकैप यानी भारत एनकैप हमारे देश में खुद शुरू होने जा रही है, जिससे कि देश में बनी कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उनकी सेफ्टी रेटिंग तय की जाएगी। वैसे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को पेडेस्ट्रियन सेफ्टी अलार्म फीचर से भी लेस कर दिया कंपनी ने। अब इसकी कीमत में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अच्छा खबर है, वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक स्मार्टफोन प्रोग्राम ऑफर पेश किया है। इसमें दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फोन को 4G या 5G में अपग्रेड करते हैं और आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम कार्ड है, तो कंपनी आपको 2400 रुपए तक की छूट दे रही है नया मोबाइल लेने पर। और वही खबर देखिए, बंदूक लाइसेंस देने के मामले में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य हमारे देश में सबसे आगे है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में अब सेवा विस्तार पर राष्ट्रीय और राज्य अवार्डी शिक्षकों को भी फिक्स वेतन दिया जाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अब जमीन के फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। आधार कार्ड से लिंक होगी रैयत की जमाबंदी। और ये सिस्टम लागू होने से दोस्तों, अब न तो कोई आपकी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा पाएगा और न ही फर्जी तरीके से आपकी जमाबंदी से रसीद कटवा सकता है। इसको लेकर राजस्व विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है और इस संबंध में राजस्व कर्मचारियों को आदेश भी जारी कर दिया। राजस्व विभाग अब सभी रैयत की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करेगा और मोबाइल नंबर भी देना जरूरी होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पेशल रिलीफ पैकेज भी नोटिफाई कर दिया इस संबंध में। हालांकि बाढ़ में जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ, दुकान ढाबा वगैरह नुकसान हुआ, उन लोगों को ये 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 7 से 15 जुलाई के बीच जो आपदा में नुकसान हुआ ना, उन्हीं के लिए ये रिलीफ प्लान लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हरेली के त्योहार के मौके पर बड़ी घोषणा कर दी है। सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में काफी समय से, आपको बता होगा, संविदा कर्मचारी जो है नियमित करने के चलते आंदोलन कर रहे हैं। 45,000 से भी ज्यादा संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो फाइनली इनकी मांगों को लेकर सरकार ने आश्वासन तो दे दिया है। अब ऑफिशियली आदेश कब आता है मैं आपको बता दूंगा जानकारी। अच्छा, वही झारखंड से खबर है दोस्तों, संशोधित जरिया पुनर्वास योजना को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब आपको पहुंचने में मात्र 30 मिनट का समय लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहे, जब 3300 करोड़ रुपए से जुड़ी 164 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया सीएम योगी ने। अच्छा, हिमाचल में बाढ़ से हुए नुकसान पर आंकड़ा आ रहा। अब तक 4,635 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 122 लोगों की मौत हुई। आज भी हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार के भी 19 जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा दोस्तों, है ना। अच्छा, पॉलिटिक्स से खबर देखिए आप। एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान, सर्वदलीय बैठक के लिए उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला राजनीति में। और मध्य प्रदेश में देखिए सरकार की नई पहल, अभिमन्यु अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। महिला अपराधों को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज और बस्तियों में समझाइश दी जाएगी इस अभियान के तहत। अच्छा, मध्य प्रदेश में मेडिकल की हिंदी पुस्तकें तैयार करने में सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। शब्दकोश और अनुवाद की भी सुविधा मिलेगी। एमबीबीएस अब हिंदी में मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है ना, तो इसका सिलेबस तैयार किया जा रहा सरकार की तरफ से, है ना। और देखिए, एमपी में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में 413 निकायों को 1,193,50,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए। और एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले 29 ट्रेनों से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, है ना। तो ये कुछ अपडेट्स हैं एमपी से जुड़े। और बड़ी खबर देखिए आप, सैमसंग के मोबाइल फोन में जल्दी आपको बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी का फीचर मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लैंग्वेज मॉडल को अपने ब्राउजर में ला सकती है कंपनी, ऐसी रिपोर्ट है। अच्छा, वही खबर देखिए, मोटापा घटाने वाली दवाइयों का सभी लोगों पर समान असर नहीं होता है, बल्कि अगर आप मोटापा कम करने की दवाइयां ले रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मोटापे की वजह क्या है। कई लोगों में अलग अलग वजह हो सकती है, कुछ जेनेटिकली, कुछ लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते, तो वजह का पता होना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। अच्छा, खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में कल दोस्तों आरकेएमपी निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई बीना के पास। इसमें कई वीआईपी लोग यात्रा कर रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह कि सभी सुरक्षित हैं। और इस घटना के बाद 3.25 घंटे देरी से ट्रेन रवाना हुई। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, देर रात जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए। कटरा में तीव्रता 3.8 रही, तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एलजी और सीएम मिलकर बातचीत करें, आप संवैधानिक पदों पर हैं, लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठिए। अध्यादेश पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो वृष राशि वालों को बिजनेस में फायदा और नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग है। कर्क राशि वालों को किस्मत
किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि के लोग अपने लक्ष्य से ध्यान न हटाएं। कुंभ राशि के लोग अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, ये उनके लिए मतलब सलाह है। हाँ, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आज भी मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप ही को लिखना कमेंट करके नीचे, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।